नमस्कार, मैं चंचल राघव, मेरे सहयोगी विवेक ध्यानी। दी संडे पोस्ट में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लेकर आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव भाग दो। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 21 अक्टूबर को तथा नतीजे दिखाए जाएंगे 24 अक्टूबर को। हरियाणा विधानसभा में 1.83 करोड़ लोग करेंगे मतदान, जिसमें बीजेपी ने अपने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को तय कर दिया है, जिनमें से एक नाम बहुत चर्चा में है, जिन्हें हम दंगल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात करें बबीता फोगाट की। ये वही बबीता फोगाट हैं जो छोटे से गांव बलाली से निकलकर कुश्ती के मैदान था। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम है दंगल। बबीता फोगाट को भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वही बबीता फोगाट हैं जो रेसलिंग की दुनिया की जानी मानी रेसलर हैं, जिन्होंने अपने रेसलिंग के करियर में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े बड़े रेसलर को धूल चटाई है और काफ़ी कॉमनवेल्थ गेम्स की दो बार गोल्ड मेडलिस्ट महिला भी रह चुकी हैं बबीता फोगाट। बबीता फोगाट पहले हरियाणा पुलिस में तथा हरियाणा पुलिस से इस्तीफा देकर अब वह राजनीति के अखाड़े में अपने कदम रख चुकी हैं। राजनीति के अखाड़े में वह अपने विरोधियों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ, बबीता फोगाट अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं और भाजपा ने हरियाणा के दादरी में विधानसभा सीट से बबीता फोगाट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इससे आगे की जानकारी आपको मेरे सहयोगी विवेक ध्यानी जी देंगे। आपको बता दें, 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की इस सीट से सोमवीर सागवान ने चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर भी रहे थे। आपको बता दें, 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की इस सीट से सोमवीर सागवान ने चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर भी रहे थे, लेकिन अब भाजपा ने इस सीट पर कमल खिलाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बबीता फोगाट को उतार लिया है। भाजपा को उम्मीद है कि बबीता फोगाट अधिकतम वोटरों का दिल जीत लेगी और इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। अब दिलचस्प ये होगा कि क्या बबीता फोगाट कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। हरियाणा की ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे द संडे पोस्ट पर।